चलो अच्छा मेरे सारे कपड़े धुल गए, अब जाती हूँ आराम से रेस्ट करूंगी। आप सूख जाएंगे तभी आऊंगी उठाने। भाभी ये लो मैंने आपके लिए चादर भी निकाल दी। चादर? लेकिन सारे कपड़े धुल चुके हैं। अरे मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए चादर निकाली है, बिस्तर जाके ठीक कर रही हूँ ना मैं। और हाँ वॉशिंग मशीन से मत धोना, हाथ से धोना। मम्मी को वॉशिंग मशीन की सफाई बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आपको पता ही है। ठीक है मैं बिस्तर करती हूँ, आप आ जाओ करके। ये और इसकी परकटी माँ, इन दोनों को तो कुछ ही नहीं पसंद। तो मैं बताऊंगी, हाथ से धोऊंगा अब चादर। वॉशिंग मशीन नहीं लगा सकती वरना आवाज आ जाएगी इस चुड़ैल को। सारी चादर हाथ से धोनी पड़ेगी, सर्फ से धो देती हूँ। ना, सर्फ से नहीं, वापिस रखो। सर्फ से क्यों नहीं? सर्फ से तो भिगोना पड़ता है आधा एक घंटे के लिए, साबुन से धो। चलो बंद करो इसको, मेरे भी हाथ गंदे करवा दिए। चलो साबुन रखा पीछे, सर्फ से धोएंगी, भिगोना तो चाहिए। इस चादर की तरह ना इसको मारूंगी कभी मैं चुड़ैल कहीं की। लाल बाल करा के सोच रही बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है मेहंदी करवा रखी है सर पर। अब मैं इसको हाथ से धोऊं फिर खाना बनाऊं, कितना काम है। थोड़ा आराम ही कर लेती हूँ। भाभी मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, आपको तो पता है मैंने सुबह अच्छे से नहीं खाया था। एक काम करो आप मेरे लिए ना पैनकेक बना दो और पास्ता बना दो, रेडी टू मेड पैनकेक का पाउडर भी घर में वो बना दो, इतना पुराना भी हो गया है तो खा के खत्म कर देते हैं वरना एक्सपायर होने वाला होगा। आपको तो पता है मैंने कपड़े धोए हैं, पूरा घर साफ किया है, थक चुकी हूँ। अभी नहीं एक घंटे में बनाती हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। मैंने भी तो बिस्तर साफ किया है फिर उसमें चादर बिछाई है, मेरा कहाँ मन करता है सब करने का, करा ना मैंने फिर भी, उसमें भी मैं बहुत थक जाती हूँ। तभी तो कह रही हूँ आप बना दो वरना मैं खुद बना के खा लेती। नहीं नहीं मैं बना दूंगी, किचन फैला देगी तभी नहीं बनाने दे रही हूँ। आई बड़ी मेरे डर से नहीं बनाने दिया मुझे, क्योंकि मैं किचन खराब कर दूंगी ना। पास्ता और पैनकेक खाएगी, लेकिन पैनकेक का तो बैटर बहुत पुराना हो गया था और पास्ते को भी रखे रखे 2 महीने हो गए, देखती हूँ आज खिलाती हूँ खूब अच्छा खाना। खाती ना रह जाए और तारीफ ना करती रह जाए तो कहना, खाएगी ताज़े ताज़े पैनकेक और अपनी मम्मी से मेरी तारीफ भी करेंगी। बना ही देती हूँ मेरा क्या है। ये रहा पास्ता, यार ये तो 3 महीने पहले एक्सपायर हो चुका है। हाँ? ये खिलाती हूँ, पैनकेक की भी डेट निकल चुकी थी, ये भी खा के पागल हो जाएगी, तबीयत तो पक्का खराब होगी। oh, no! ऐसा पास्ता खिलाऊंगी उंगलियां चाटती रह जाएंगी। Oops! पता तो चले कि पेट कैसे साफ होता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है अच्छा ही बना होगा, लेकिन मैं तो ये खा ही नहीं सकती। oh, no! कोई बात नहीं अपने लिए कल बनाऊंगी अच्छा वाला, अभी इन्हीं को दे रही हूँ सारा, खुश भी हो जाएंगी और अपनी मम्मी से मेरी तारीफ भी करेंगी। wow! चलो लेकर चलती हूँ। ये लो दीदी पास्ता और ये पैनकेक। इसने सच में बना दिया, आपने इतना सारा बना भी दिया वो भी इतनी जल्दी। हाँ मेरे तो बाएं हाथ का काम है, आपको पता है आप जो बोलो वो ना हो। अब टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। हाँ हाँ करो करो। इसमें चॉकलेट नहीं था, चॉकलेट सिरप वगैरह? नहीं नहीं ऐसे ही खाते हैं इसको। बट इसमें वैनिला एसेंस थोड़ा ज्यादा हो सकता था। बस बस खा लो वो वाला टेस्ट करके बताओ कैसा है। खाना मत, मैं ही खाऊंगी। नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगी। मैं क्यों खाऊंगी? वाह तो लग रहा है बिल्कुल अभी भी निकला है। हाँ हाँ अभी भी निकाल के आई हूँ फ्रेश फ्रेश। टेस्टी है ना? ठीक है, मतलब ठीक है, आप ये दोनों एंजॉय करो, मैं अभी आती हूँ पानी लेके आपके लिए। अरे आप भी खा लो मेरे साथ। नहीं नहीं मैं नहीं खा सकती। क्यों क्या ना? मतलब पानी लेकर आती हूँ। अरे पहली बार इसने कुछ खाने के लिए बना किया, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? नहीं नहीं यार बड़े दिल से बना के देके गई है, ऐसा नहीं होगा, मम्मी को बताती हूँ। अच्छा खाना बनाती है, एक्टिंग करती है बस फालतू की। ये भी बोल दूंगी बहुत सुधर गई है। अरे यार मम्मी तो फोन ही नहीं उठाती है, सोती रहती है जब देखो। बाद में कॉल करती हूँ मम्मी को। बनाया तो अच्छा है लेकिन स्पाइसी हो गया। पानी लेने गई है क्या? लेने गई है? मेरे को ही जाना पड़ेगा। चलो अच्छा है, पैनकेक और पास्ता जो एक्सपायर हो चुका था वो खत्म तो हो गया, अब ये ही खाएंगी। मेरा क्या है, मैंने तो बना दिया लेकिन मैं उसमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी, कहीं मेरी तबीयत खराब हो जाए। कुछ ज्यादा ही बोल रही थी मेरे लिए, ये बनाओ वो बनाओ। आप खा बेटा, पता चलेगा एक्सपायरी चीज खाने का नतीजा। इसने मुझे एक्सपायरी पास्ता और पैनकेक खिलाया। अब इसको बताती हूँ मैं क्या करती हूँ इसके साथ, इसे ऐसी ऐसी चीजें खिलाऊंगी लूज मोशन हो जाएंगे।